1504 ईस्वी में जब बाबर को इसके वतन से निकाल दिया गया तो इसने काबुल पर हमला करके इसे फतह कर लिया। काबुल के बाद इसने आसपास के तमाम सरदारों को अपना मुती और फरमा बरदार बनाया और काबुल पर अपनी हुकूमत को मुस्तहकम करने के बाद हिंदुस्तान को फतह करने की तैयारियों में मसरूफ हो गया। ज़हीरुद्दीन बाबर अपने दादा अमीर तैमूर लंग के फतह किए हुए इलाकों को अपना हक समझता था, इसीलिए बाबर ने पंजाब पर पे दर पे 3-4 हमले किए, लेकिन वो आगे बढ़ने के बजाय काबुल वापस आ गया। लेकिन इन तमाम हमलों में बाबर ने अपने दादा तैमूर की तरह लूट मार नहीं की, बल्कि इसने नजरानों और महसूलों पर ही इक्तफा किया। इसकी वजह ये थी कि वो हिंदुस्तान में अपनी मुस्तकिल हुकूमत कायम करना चाहता था। इन हमलों से बाबर को एक बात का यकीन तो हो चुका था कि हिंदुस्तान में लोदी हुकूमत बहुत कमज़ोर हो चुकी है। बाबर ने लोदियों की इसी कमज़ोरी से फ़ायदा उठाने का मंसूबा बनाना शुरू कर दिया। लेकिन बाबर को हैरत इस वक्त हुई जब खुद लोदी उमरा, जिनमें हाकम पंजाब दौलत खान इब्राहिम लोदी का भाई अलाउद्दीन उर्फ आलम खान भी शामिल थे, और इसके अलावा राजपूतों के सरदार राणा सांगा ने बाबर को हिंदुस्तान पर फौज कुशी की दावत दी और साथ ये वादा भी किया कि इसकी फौजी मदद भी की जाएगी। बाबर ने लोदियों की अंदरूनी इख्तलाफात का फायदा उठाते हुए अपनी फौज का एक हिस्सा अलाउद्दीन उर्फ आलम खान की कयादत में दौलत खान लोदी की तरफ इब्राहिम लोदी से लड़ने के लिए भेजा। अलाउद्दीन ने आगे बढ़कर इब्राहिम लोदी का दिल्ली में मुहासरा करना चाहा, लेकिन इस मुहिम में अलाउद्दीन को इब्राहिम लोदी ने शिकस्त दी और इसकी फौज को भगा दिया। बाबर इस दौरान काबुल से हिंदुस्तान की तरफ रवाना हो चुका था और जब वो पंजाब पहुंचा तो मुख्तलिफ कबाइल ने इसका रास्ता रोकने की कोशिश की, लेकिन बाबर की फौजों ने इन तमाम कबाइल को जेर कर लिया। जब पंजाब के हालात पर बाबर ने काबू पा लिया तो इसने दिल्ली की तरफ आगे बढ़ने की तैयारियां शुरू की। इस दौरान इसने बहुत सी बैलगाड़ियाँ खरीदी जिनका इस्तेमाल वो जंग में करने वाला था। इसी दौरान बाबर को पता चला कि अलाउद्दीन को इब्राहिम लोदी की फौज ने पसपाई पर मजबूर कर दिया है। बाबर के जासूस इसे मुसलसल ये खबरें दे रहे थे कि इब्राहिम लोदी भी एक बहुत बड़ा लश्कर तैयार कर रहा है। इसके बाद बाबर ने अपने हरअवल दस्ते को आगे भेजा और इसके बाद खुद भी पानीपत की तरफ बढ़ने लगा। 1526 ईस्वी को पानीपत के मैदान में पहुँच कर बाबर ने अपनी फौज के लिए खैमे गाड़ने शुरू किए। बाबर ने बड़ी सोचो विचार के बाद पानीपत का मैदान मुंतखब किया था। बाबर के पास सिर्फ 10 से 15 हजार की फौज थी, मगर इसकी फौज इसके साथ मिलकर कई एक लड़ाइयां लड़ चुकी थी। इसी वजह से इस फौज को जंग का काफी तजुर्बा हासिल हो चुका था। पानीपत के मैदान में पहुंचने के बाद बाबर के हुक्म पर तोपों को अपनी जगह नस्ब कर दिया गया। इसने जो बैल गाड़ियां खरीदी थी इनकी बहुत लंबी कतार बनवाई और इनके पीछे तोपों को नस्ब कर दिया। तोपों के आगे बाबर ने घुड़सवार दस्ते को खड़ा किया, जिसका काम सिर्फ दुश्मन की नकलो हरकत पर नजर रखना और बाबर को इसकी पेशकदमी के बारे में मालूमात फराहम करना था, और खुद ज़हीरुद्दीन बाबर बाकी लश्कर के साथ क्लब में खड़ा था। मुगल फौज के दाएं हिस्से की कयादत हमायूं के पास थी, जबकि बाएं हिस्से की कयादत मोहम्मद मिर्जा के हाथ में थी। दाएं और बाएं हिस्से के पीछे मुगलों के महफूज दस्ते थे। बाबर की फौज का ज्यादातर हिस्सा घुड़सवारों पर मुश्तमिल था। बाबर ने अपने घुड़सवार दस्तों को छोटे छोटे टुकड़ों में तकसीम कर रखा था, जिसका खास अंदाजे जंग था। बाबर की फौज के दाएं जानिब दरियाए जमुना था, जबकि बाएं जानिब पानीपत का कला था। बाबर ने यहाँ अपने लश्कर के साथ बड़ी बड़ी खंदकें खुदवाईं, इनको इन दरख्तों की टहनियों और पत्तों से छुपा दिया गया ताकि जब दुश्मन की फौज हमले के लिए तेजी से आगे बढ़े तो इन खंदकों में गिर कर हलाक हो जाए। इस तरह दाएं और बाएं हिस्से को मुकम्मल तौर पर महफूज करने के अलावा सामने से भी किसी हद तक अपने लश्कर का दिफाई इंतजाम इसने संभाल लिया था। इससे पहले हिंदुस्तान की तारीख में कभी भी तोपखाने का इस्तेमाल नहीं किया गया था। ये पहला मौका था जब हिंदुस्तान में तोपों का इस्तेमाल होना था। हिंदुस्तानी इस नए हथियार से बिल्कुल नावाकफ थे और इसी वजह से सुल्तान इब्राहिम लोदी को इस जंग में शिकस्त का सामना करना पड़ा। तोपों के अलावा बाबर के पास घुड़सवार तीरंदाज थे और बंदूकों के इस्तेमाल ने भी बाबर के लश्कर को मजीद मजबूत बना दिया था। दूसरी जानिब इब्राहिम लोदी का एक बहुत बड़ा लश्कर था, जिसमें 100 से लेकर 1000 तक सिर्फ जंगी हाथी शामिल थे। ज़हीरुद्दीन बाबर इब्राहिम लोदी के लश्कर की तादाद अपनी स्वाने हयात में लिखते हुए कहता है कि इब्राहिम लोदी के लश्कर के खैमे ऐसे नजर आ रहे थे जैसे किसी खेत में जरीफ के थानों को बिछा कर सोने के दरख्त लगाए गए हैं, और इस लश्कर की तादाद तकरीबन 1 लाख थी।
जिनमें घुड़सवार और प्यादे थे, जो बाबर के लश्कर से तकरीबन 8 गुना बड़ा लश्कर था। पानीपत के मैदान में दोनों लश्कर एक हफ्ते तक आमने सामने पड़े रहे। दोनों ही ये चाहते थे कि पहले दूसरा लश्कर लड़ाई की शुरुआत करे। आखिरकार बाबर ने इब्राहिम की फौज को अपने प्लान के मुताबिक लड़ाने के लिए इसके पड़ाव पर रात को हमला कराया, ताकि वो इब्राहिम की फौज को अपने खिलाफ भड़का सके। ज़हीरुद्दीन बाबर की यह चाल कामयाब रही और अगले दिन 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को सुबह होते ही दिल्ली की फौज ने बाबर की फौज पर हमला कर दिया। लेकिन जब इब्राहिम लोदी की फौज बाबर की फौज के करीब पहुंची, तो बाबर की बनाई हुई खंदकों में घिरकर बहुत सारे सिपाही मारे गए और कुछ जख्मी होकर पीछे हटने लगे। इसी दौरान बाबर ने तोपों से फायर करने का हुक्म दिया और इब्राहिम की फौज, जो पहले ही खंदकों में घिरने के बाद बौखलाहट का शिकार हो चुकी थी, तोपों की गरज से सहम कर रह गई। तोपों के गोलों से दिल्ली की फौज को शदीद नुकसान का सामना करना पड़ा और लश्कर का एक बड़ा हिस्सा तहस नहस हो गया, क्योंकि हिंदुस्तान की तारीख में तोपों का इस्तेमाल पहली बार बाबर ने ही पानीपत की लड़ाई में किया था। इसी वजह से इब्राहिम की फौज को इतना नुकसान उठाना पड़ा। तोपों की गरज सुनकर इब्राहिम लोदी के जंगी हाथी बेकाबू हो गए और वो अपनी ही फौज को नुकसान पहुंचाने लगे। जब बाबर ने देखा कि दिल्ली की फौज की सफ़ें बिखर चुकी हैं, तो इसने अपने बेहतरीन घुड़सवार दस्तों को हमले का हुक्म दिया। इन दस्तों ने इब्राहिम की फौज को घेरे में लेना शुरू कर दिया। इब्राहिम की फौज ने मुगलों के लश्कर का बड़ी बहादुरी से मुकाबला किया, लेकिन वो बाबर की फौजी चालों और जदीद हथियारों के सामने बेबस हो गए। तकरीबन 6 से 7 घंटे मुसलसल जंग के बाद पांसा बाबर के हक में पलट चुका था। इस जंग में बाबर ने इब्राहिम लोदी को इबरतनाक शिकस्त से दोचार किया और इब्राहिम लोदी इस जंग में मारा गया। इस जंग में इब्राहिम लोदी की शिकस्त का सबसे बड़ा सबब तो बाबर का तोपखाना था। इसके अलावा इब्राहिम के लश्कर में बहुत सारे सिपाही किराए के सिपाही थे, जो कि पहले हमले में ही बददिल हो गए। और दूसरी तरफ बाबर की फौज बेशक कम थी, लेकिन वो सब के सब बाबर के साथ वफादार और तरबियत याफ्ता फौजी दस्ते थे। पानीपत में इब्राहिम को शिकस्त देने के बाद बाबर ने शहजादा हुमायूं को आगरा की तरफ जाने का हुक्म दिया और खुद इसने आगे बढ़कर दिल्ली को भी फतह कर लिया। दिल्ली के बाद बाबर आगरा की तरफ बढ़ा, जो पहले ही मुगलों के मुहासरे में था। बाबर ने आगरा पहुंचते ही शहर पर जोरदार हमले किए और इसे भी फतह कर लिया। दिल्ली और आगरा की फतह के बाद अगरचे बाबर ने मुल्क के किसी भी हिस्से पर बाकायदा फौजकुशी शुरू नहीं की थी, लेकिन शहजादा हुमायूं और दूसरे मुगल सरदारों की कोशिशों से चंद माह के अंदर अंदर कला संबल, अटावा, कनूज, धूलपुर, जलीसर, जाजमटू, जौनपुर, कालपी, बयाना और ग्वालियर जैसे अहम कले मुगलों के कब्जे में आ चुके थे। मुगलों की इन मुसलसल फतूहत को देखकर ही राणा सांगा मुगलों को हिंदुस्तान से निकालने के लिए निकला था, लेकिन बाबर ने राणा सांगा को खानवा की जंग में शिकस्त देकर हिंदुस्तान में मुगलिया सल्तनत को मुस्तहकम बना दिया था। इसके बाद हिंदुस्तान में कोई ऐसी ताकत नहीं थी जो कि मुगलों का सामना कर सके।